हेलो बच्चों, सक्सेस के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, हमेशा परफेक्शन के पीछे जाना चाहिए। चीजें अगर आप परफेक्ट तरीके से करते हो तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। मैथमेटिक्स में भी कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी डेवलप हो रही है मैथमेटिक्स में, तो सवाल तो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, लेकिन इरादे बुलंद हैं और आप लोगों के साथ अटैचमेंट कुछ ऐसी है कि टैबलेट्स ली और आपके सामने फिर मैं हाजिर हो चुका हूँ। फंक्शंस में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं सिग्नम फंक्शन का। तबीयत खराब थोड़ी सी जरूर है, लेकिन शुरुआत फिर से एकदम भन्नाट होने वाली है, फिर से एकदम भन्नाट शुरुआत होगी। तो सिग्नम फंक्शन का डिस्कशन करेंगे अभी। सिग्नम फंक्शन के बाद कॉन्स्टेंट फंक्शन सीखेंगे और कॉन्स्टेंट फंक्शन के बाद अपन सीखने वाले हैं सिंपल पैराबोलिक फंक्शंस, और यूं करते हुए टाइप ऑफ फंक्शंस हमारा सारा एकदम कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। करेक्ट एकदम। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो डॉन का दुश्मन है। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सिग्नम फंक्शन के साथ। सिग्नम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं सबसे पहले समझना होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, यूं कुछ डिनोट करते हैं सिग्नम फंक्शन को। शॉर्ट में यूं भी लिख सकते हैं एस जी एन एक्स। सबसे पहले सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर देखने वाले हैं। सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर देख करके उसके बाद फिर डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमेशा मैं बोलता हूं कि एक फंक्शन का बिहेवियर मालूम है, डोमेन, रेंज, ग्राफ मालूम है, समझिए फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत शानदार है और सवाल आप कर सकते हो उसके बाद। सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर कुछ यूं होता है। सिग्नम बोलता है कि भाई मेरे अंदर अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो मैं वन आंसर दूंगा। बड़ा मस्त फंक्शन है, बोलता है पॉजिटिव में कुछ भी डाल लीजिए आंसर वन आएगा। आप पॉजिटिव में कुछ भी डाल लें आउटपुट वन आएगा। पॉजिटिव में आप कुछ भी डाल लें आउटपुट हमेशा वन आएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव डालेंगे नेगेटिव नंबर डालेंगे तो आउटपुट माइनस वन आएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर डाल लीजिए आउटपुट कितना आएगा, माइनस वन। सिंपल फंडा है, पॉजिटिव में इनपुट डालेंगे आउटपुट वन आएगा, नेगेटिव में इनपुट डालेंगे तो आउटपुट माइनस वन आएगा। और अगर सिग्नम के अंदर जीरो डालेंगे तो जो आउटपुट है वो जीरो रहेगा। वापस रिपीट कर देता हूं, सिग्नम हमेशा तीन आउटपुट ही देता है। या तो वन देगा या माइनस वन देगा या फिर जीरो देगा। सिग्नम का आउटपुट वन तभी होगा जब उसका इनपुट पॉजिटिव हो, और सिग्नम का आउटपुट माइनस वन तभी होगा जब उसका इनपुट नेगेटिव हो, और सिग्नम का आउटपुट जीरो तभी होगा जब इनपुट भी जीरो हो। सिंपल सी बात है, सिग्नम सिर्फ तीन आउटपुट ही देता है, या तो जीरो या वन या फिर माइनस वन। जीरो कब देगा, जब इनपुट जीरो होगा। माइनस वन कब देगा, जब इनपुट नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव अगर इनपुट है तो आउटपुट कितना आएगा, वन आएगा। थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं इस बात को मैं। मुझे बताएं कि सिग्नम पाई की वैल्यू कितनी है। सिग्नम पाई, पाई क्या है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर वन आएगा। मुझे बताएं सिग्नम रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस वन का क्या आंसर आएगा। रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस वन, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका आंसर भी प्लस वन आएगा। आप बताएं सिग्नम वन माइनस रूट टू का आंसर क्या होगा। रूट टू वन से बड़ा होता है, वन माइनस रूट टू एक नेगेटिव वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव का सिग्नम हमेशा माइनस वन होता है। बात समझ में आ रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि सिग्नम वन प्लस एक्स स्क्वायर बताइए क्या होगा।
क्या सिग्नम वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पे डिपेंडेंट होगा क्या? इसका आंसर एक्स पे डिपेंडेंट आएगा या फिर इंडिपेंडेंट आएगा? सीधी सी बात है कि जो एक्स स्क्वायर होता है कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप एक्स कुछ भी ले लें, आप एक्स कुछ भी ले लें, जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और सिग्नम का आउटपुट आएगा वन। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे सिग्नम का आउटपुट आप देख सकते हो, निकालना बड़ा ईजी है। तो कुल मिलाकर के एक बात तो साफ है कि सिग्नम फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स हैं वो कोई भी रियल नंबर डाला जा सकता है। इनपुट में आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर डाल सकते हो या जीरो डाल सकते हो। तो इनपुट सिग्नम फंक्शन का क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सिग्नम के जो इनपुट्स हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिग्नम फंक्शन की क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। और सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है, सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है उसमें मात्र तीन एलिमेंट होंगे, एक माइनस वन, एक जीरो और एक वन। सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है उसमें सिर्फ तीन एलिमेंट होंगे, या तो आउटपुट माइनस वन आ सकता है, या आउटपुट वन आ सकता है, या फिर आउटपुट जीरो आ सकता है। सिर्फ तीन किस्म के आउटपुट ही पॉसिबल हैं सिग्नम फंक्शन में, या तो माइनस वन होगा आउटपुट, या जीरो होगा, या फिर क्या होगा? वन होगा। तो सारे आउटपुट अगर एक सेट में लिख दिए जाएं तो रेंज बन जाता है, और सिग्नम की जो रेंज है वो मैंने लिख दी आइदर माइनस वन, जीरो और वन। बात समझ में आ रही है? डोमेन एकदम क्लियर है, रेंज एकदम क्लियर है। आइए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मालूम होना चाहिए। देखते हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने लगा लिया यहां पे, ये हमारा ओरिजिन है। देखिए जरा, एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। वापस लिख देता हूं यहां पे मैं, वाई इक्वल टू सिग्नम एक्स को, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई हमारा कितना है? वाई हमारा जीरो है। तो x इक्वल टू जीरो पे y जीरो है, तो इसका मतलब 0.0 पॉइंट इस फंक्शन पे लाई करेगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। x की वैल्यू जो पॉजिटिव है उस पे आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव पे आउटपुट हमारा 1 होगा, ठीक है ना। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट में रखोगे आउटपुट हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो x पॉजिटिव पे ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आउटपुट हमारा माइनस वन होगा। ये वाला पॉइंट जो है 0.1 है, और ये वाला पॉइंट 0.-1 है। क्लियरली आप देख सकते हो सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ होता है। जीरो पे ग्राफ यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे ग्राफ है। सॉलिड सर्कल का मतलब होता है इंक्लूडेड, और होलो सर्कल मैं बनाऊं ग्राफ पे तो उसका मतलब एक्सक्लूडेड होता है, पहले भी बता चुका हूं। तो x जब 0 से बड़ा पुट करेंगे तो आउटपुट आपका 1 आएगा, और x 0 से छोटा पुट करेंगे तो आउटपुट आपका -1 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है fx equal to सिग्नम फंक्शन का, और सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर एकदम से क्लियर है। वापस लिख देता हूं, सिग्नम x फंक्शन का जो बिहेवियर है वापस लिख देता हूं। सिग्नम x की वैल्यू 1 होती है, या फिर 0 होती है, या फिर -1 होती है। सिग्नम x की वैल्यू 1 तब होगी जब x हमारा पॉजिटिव हो। सिग्नम x की वैल्यू 0 होगी अगर x हमारा 0 हो, और सिग्नम x की वैल्यू -1 होगी अगर x हमारा लेस देन 0 हो, ठीक है ना। तो सिग्नम x फंक्शन का बिहेवियर आई होप आपको समझ में आ गया। सिग्नम x कैन बी 0, सिग्नम x विल बी 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0, सिग्नम x विल बी 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, सिग्नम x विल बी 0 इफ x इक्वल टू 0, सिग्नम x इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। क्लियर है एकदम। एक और बात बताता हूं मैं आपको कि सिग्नम एक्स जो है ना, सिग्नम एक्स को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, मॉडुलस एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये जो इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है और यहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम है, दोनों ही बातें सेम है। थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। सिग्नम एक्स को कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं। इनके लिखने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से होता है कि भाई मोड एक्स बाय एक्स को देखें आप, अगर एक्स पॉजिटिव है, इसको आगे इलेबोरेट करें, एक्स अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है का मतलब या तो एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मोडलस खुल जाएगा, बाहर एक्स आ जाएगा, तो एक्स बाय एक्स हो गया वन,
और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन में मैंने बताया है कि अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करता है, एक माइनस और लगा देता है और ये हो जाता है माइनस एक्स बाय एक्स, तो यहाँ आएगा माइनस वन। तो आप देख सकते हैं सिग्नम एक्स की वैल्यू वन माइनस वन और जीरो ही आ रही है। ये लिखने का एक अलग स्टाइल है लेकिन बात वही है, सिग्नम एक्स वन माइनस वन या जीरो ही होगा। तो अगर कोई सिग्नम एक्स को यूं लिख दे मोड एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो समझ जाना कि यही बात लिखी हुई है कि सिग्नम जो है वो तीन वैल्यू ले सकता है, वन जीरो एंड माइनस वन। क्लियर है एकदम? सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन है वो क्लियर होनी चाहिए, रेंज क्लियर होनी चाहिए और ग्राफ एकदम समझ में आना चाहिए, सिग्नम का बिहेवियर एकदम समझ में आना चाहिए। ये सिग्नम एक्स फंक्शन का बिहेवियर है, सिग्नम एक्स का बिहेवियर है ये, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन जो है ना, सिग्नम फंक्शन की एक बड़ी खास बात होती है, आप सिग्नम एक्स लिख लो, आप सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स लिख लो, आप सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स लिख लो, एक ही बातें होती हैं सारी। मतलब एक एक्स के ऊपर आप एक सिग्नम लगा लो, दो सिग्नम लगा लो, तीन सिग्नम लगा लो, चार सिग्नम लगा लो, कितने भी सिग्नम लगा लो, एक ही बात रहती है। कैसे? ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर मान लो एक्स फोर है, एक सिग्नम लगा लेंगे तो आंसर वन आएगा, अगर दो सिग्नम भी लगा दूंगा मैं तो इसका आंसर वन आएगा और वन का सिग्नम फिर से आंसर वन आएगा। एक और सिग्नम लगा दें तो सिग्नम फोर तो वन हुआ, वन का सिग्नम फिर वन हुआ और वन का सिग्नम फिर से कितना हुआ, वन हुआ। तो एक नंबर के ऊपर आप कितने भी सिग्नम लगा लो, थोड़ा बुद्धि लगा के सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि एक नंबर के ऊपर कितने भी सिग्नम लगा लें आंसर कितना आने वाला है, आंसर एक सिंगल सिग्नम के बराबर ही आने वाला है, करेक्ट है। तो ये एकदम क्लियर होगा आपको। दूसरी बात नोट करने वाली क्या है कि सिग्नम ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ सिग्नम एक्स के बराबर होता है। मतलब सिग्नम के अंदर यहाँ पे माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को खींच के बाहर आप निकाल सकते हैं, माइनस सिग्नम एक्स के बराबर होता है। सिग्नम ऑफ माइनस एक्स माइनस सिग्नम एक्स के बराबर होता है। कैसे? आप देख सकते हैं कि सिग्नम ऑफ माइनस फोर, आप देख सकते हैं माइनस सिग्नम फोर के बराबर है। सिग्नम ऑफ माइनस फोर माइनस वन होता है और सिग्नम फोर जो है वो वन होता है, तो ये माइनस आगे लगा तो माइनस वन बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सिग्नम ऑफ माइनस फोर माइनस सिग्नम फोर के बराबर है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ सिग्नम ऑफ माइनस थ्री क्या माइनस सिग्नम थ्री के बराबर है क्या? बिल्कुल है जी, क्योंकि ये भी माइनस वन है और राइट साइड भी माइनस वन है। तो कहने का मतलब कोई भी एक्स ले लो, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमेशा माइनस ऑफ सिग्नम एक्स के बराबर होता है, ठीक है। दो छोटी छोटी सी बातें थी आपको याद रखनी है सिग्नम के बारे में, बाकी सिग्नम का बिहेवियर आपको मालूम चल ही गया है। आइए एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं, जरा सिग्नम के ऊपर बड़े बेसिक सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ सिग्नम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन देन फाइंड एक्स। मान लो कोई आपसे पूछता है कि इफ सिग्नम एक्स प्लस वन इक्वल टू वन देन फाइंड एक्स। सिग्नम एक्स प्लस वन अगर वन है तो बताइए एक्स क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है ये, सिग्नम एक्स प्लस वन के वन होने का मतलब ये है कि सिग्नम का जो इनपुट है, इनपुट मतलब एक्स प्लस वन, सिग्नम का ये जो इनपुट है ना एक्स प्लस वन, जरूर ये ग्रेटर देन जीरो रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। सिग्नम का जो इनपुट है ये पॉजिटिव रहा है तभी तो सिग्नम ने आउटपुट वन दिया है। बात समझ आ रही है आपको? तो सिग्नम का ये जो इनपुट है ये क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए, तभी इसका आंसर वन आया होगा। तो सीधी बात है, एक्स प्लस वन को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, एक्स प्लस वन को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, इसका मतलब जो हमारा एक्स है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए। तो यही पूछा था इसने, फाइंड करो भाई एक्स, एक्स हमारा ग्रेटर देन माइनस वन होगा। माइनस वन से बड़ा कोई भी एक्स उठा करके, माइनस वन से बड़ा कोई भी एक्स उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसका सिग्नम हमेशा वन आएगा। बात समझ में आ रही आपको?
तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शंस एकदम क्लियर होंगे, करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस की, दैट इज नेक्स्ट फंक्शंस की, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बड़े सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं। अब तो मेजर फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी फंक्शन बड़ा सिंपल फंक्शन है, आप देख के बोलोगे अरे ये क्या फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आइडेंटिकल पोटेंशियल होता है। मतलब क्या हुआ कि आप एक्स के अंदर जो इनपुट डालते हो वही आउटपुट आ जाएगा। इसके अंदर एक्स की वैल्यू 3 डाली तो आउटपुट भी 3 आ गया। मतलब ये इनपुट आउटपुट इसका आइडेंटिकल रहता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है ना, आ रही होगी। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आप गौर से देखें तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कहने का मतलब इसका जो इनपुट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, प्लस वन, प्लस टू, वन बाई टू, वन बाई थ्री, पाई, रूट टू, रूट थ्री, जीरो, कोई भी एक्स की जगह डाला जा सकता है। तो इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हुई, और इसकी जो रेंज होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके जो इनपुट और आउटपुट मैच करते हैं। मतलब जो इनपुट डालोगे वही इसका आउटपुट आएगा। तो इसका जो इनपुट का जो सेट है और आउटपुट का सेट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो डोमेन एकदम क्लियर है, रेंज एकदम क्लियर है, और इसका ग्राफ अगर अपन बनाएं तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब है आप वाई इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हो। ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं इस एक्स वाई प्लेन पे, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन पे मुझे बताइए, ये ओरिजिन है। इस एक्स वाई प्लेन पे भाई को बताइए कि कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जिनका एक्स और वाई बराबर है, जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर है। ऐसी कौन सी लोकेशन है आप बताइए कि जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इन जगहों का बराबर है, बिल्कुल बीचों बीच जो जा रही हैं, ये जो बिल्कुल बीचों बीच जो जगह जा रही हैं, ये वाले जो लोकेशंस हैं इनका एक्स और वाई बराबर है। यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, इसकी एक्स से भी दूरी उतनी है, वाई से भी दूरी उतनी ही है। आप और कोई बिंदु ले लीजिए, ये वाला बिंदु देख लो आप, इसकी एक्स से भी दूरी इतनी ही है और वाई से दूरी भी इतनी ही है। इस वाले बिंदु को देख लो, एक्स से दूरी भी इतनी ही है और वाई से दूरी भी इतनी ही है। तो कुल मिलाकर के इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट की खास बात क्या है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर है। मतलब एक्स और वाई क्या है, बराबर है। तो एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ ऐसा होगा। मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारे आइडेंटिकल फंक्शन का, हमारे अपने आइडेंटिकल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एकदम भन्नाट मैंने बना दिया आपके सामने। एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। और ये कैसी स्ट्रेट लाइन होती है, ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, और ये कैसी स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल बीचों बीच यूं काटते हुए जाती है। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देखें तो एक्स एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। बात समझ में आ रही है? तो बस आइडेंटिकल फंक्शन मालूम होना चाहिए, फंक्शन क्या है, डोमेन, रेंज, ग्राफ मालूम होना चाहिए, करेक्ट है। अगले फंक्शन का डिस्कशन करते हैं, बड़े सिंपल सिंपल फंक्शन हैं आगे। तो नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? अगर मान लो इस प्रकार से लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू टू, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू थ्री, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू फोर, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। इन जनरल अगर यूं लिख दें एफ एक्स इक्वल टू के, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ये जो फंक्शन है ये होगा हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। जो एफ एक्स इक्वल टू टू जो है ना, इसकी आप डोमेन बताएं क्या होगी, इसकी रेंज बताएं क्या होगी। डोमेन तो क्या होगी, एक्स की कोई भी वैल्यू डालिए आप, एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं फंक्शन में। एक्स तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रखा जा सकता है,
लेकिन रेंज हमेशा इसकी टू ही रहेगी। भाई एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसी मशीन होती है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक ऐसी मशीन है जिसमें आप इनपुट कुछ भी डालें, पेट्रोल डालें, डीजल डालें, पानी डालें, एक्स इक्वल टू वन डालें, एक्स इक्वल टू टू डालें, एक्स इक्वल टू जीरो डालें, जो मर्जी डालें, आउटपुट हमेशा टू आएगा। ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट वन डालें, जीरो डालें, माइनस वन डालें, फाइव डालें, एट डालें, पाई डालें, रूट टू डालें, रूट थ्री डालें, जो कुछ भी डालना डालिए, आउटपुट हमेशा टू आएगा। तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो टू होगी, और इनपुट में कोई भी नंबर डाला जा सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के है, तो इसकी भी बता दूं आपको जो डोमेन है वो तो कोई भी इनपुट हो सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज हमेशा इसकी कितनी होगी, सिर्फ के होगी। आप इसके अंदर इनपुट में कुछ भी डाल लें, आउटपुट हमेशा के आएगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। कांस्टेंट फंक्शन का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है, अलग अलग इनपुट डालने पे इसका जो आउटपुट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। इसका ग्राफ बनाए अपन, मैं इस एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू टू का ग्राफ बना देता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू टू का ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू टू का कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 0.2 से पास होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ग्राफ होगी ये होगी एफ एक्स इक्वल टू टू का ग्राफ। आप देखिए x की वैल्यू 1 है तब भी y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तब भी y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तब भी y की वैल्यू 2 है, मतलब y बदल नहीं रहा, आउटपुट बदल नहीं रहा, x बदल रहा है, y तब भी सेम रह रहा है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ देख लेते हैं कैसा होगा, मतलब ये इस प्रकार से कॉन्स्टेंट लाइन होगी, ये इस प्रकार से ग्राफ होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इक्वल टू के लाइन, मतलब x कुछ भी डाल लें आंसर आपका y का k आएगा, ठीक है ना, आप कुछ भी डाल लें आउटपुट हमेशा कितना आएगा, k आएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका एफ एक्स इक्वल टू के का, कॉन्स्टेंट फंक्शन के ग्राफ हॉरिजॉन्टल होते हैं। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, k की वैल्यू नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। ग्राफ क्लियर है, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन की जो रेंज है वो एक सिंगलटन सेट होती है। बात समझ में आ रही आपको, कॉन्स्टेंट फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होती है, वो हमेशा वो एक सिंगलटन सेट होती है, कॉन्स्टेंट फंक्शन की रेंज में एक ही एलिमेंट होता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जो के हुआ है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के, ये हर एक्स के लिए हुआ है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू टू वैल्यू जो है ये हर एक्स के लिए है, एक्स कुछ भी पुट कर लें आप, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टू ही है। क्लियर है एकदम कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब मूव करते हैं अगले फंक्शन पे, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन क्या है, आपको बता दूं कि जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस फंक्शन को बोलते हैं सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। इस फंक्शन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें डोमेन में तो सारे रियल नंबर होते हैं, मतलब जो इसका इनपुट होता है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 0 कुछ भी डाल सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू x की डाली जा सकती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। आप एक्स स्क्वायर फंक्शन को ले लें, उसमें आप x की वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू 1 डाली, आंसर 1 आएगा, आउटपुट 1 आएगा, x की वैल्यू -1 डाली, आउटपुट +1 आएगा, x की वैल्यू 0 डाली, आउटपुट 0 आएगा, x की वैल्यू -1 डाली तो भी आउटपुट 1 आया, x की वैल्यू +1 डाली तो भी आउटपुट 1 आया, x की वैल्यू 0 डालने पे आउटपुट 0 आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कितनी डाली थी, x की वैल्यू -1 डाली थी, x की वैल्यू -1 डाली थी, -1 का स्क्वायर करके आउटपुट 1 दे दिया। आप देख सकते हैं जो आउटपुट है इसका कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, आपने इनपुट नेगेटिव डाला तब भी आउटपुट पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव डाला तब भी आउटपुट पॉजिटिव। तो
एक्स स्क्वायर का जो आउटपुट है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव आउटपुट होते हैं। तो इसके जो आउटपुट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या जीरो हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा जीरो से लेकर के आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स, करेक्ट है एकदम। ग्राफ आइए देख लेते हैं इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, यूं करके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कैसे मालूम चला? एक आइडिया आप ले सकते हैं कुछ वैल्यूज से कि हमारे पास एक तो है x और y हमारा है एक्स स्क्वायर, तो जब x की वैल्यू जीरो डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो का स्क्वायर जीरो। x की वैल्यू वन डालते हैं तो वन का स्क्वायर y कितना हो गया वन। x की वैल्यू माइनस वन डालते हैं तो भी y कितना हो गया माइनस वन का स्क्वायर वन। तो जीरो कोमा जीरो, जीरो कोमा जीरो से ग्राफ पास करता है, एक्स वन वाई वन, वन कोमा वन से ग्राफ पास करता है, एक्स माइनस वन वाई वन, एक्स माइनस वन वाई वन, यहाँ माइनस वन कोमा वन से ग्राफ पास करता है। और एक्स को बढ़ाते हैं, आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स को आप इंक्रीज करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक्स आगे बढ़ाएंगे तो वाई आगे बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और एक्स को नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाएंगे, नेगेटिव में एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाएंगे तो वाई जो है इंक्रीज करता जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ की जो शेप होती है, इस ग्राफ की जो शेप होती है वो पैराबोला होती है। क्या बोला? पैराबोला। इस ग्राफ की जो शेप होती है, इस प्रकार की जो शेप होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ की, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला, दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। पैराबोला के बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है पैराबोला, वहाँ पे पैराबोला को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पैराबोला को आपका मित्र बनाऊंगा। लेकिन इस चैप्टर में बस थोड़ा सा मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, भाई इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, बस इतना जान लीजिए आप। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ की जो शेप बनती है वो क्या बनती है? पैराबोला बनती है। इन यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ मैं, एक्स स्क्वायर के अलावा कोई भी एक्स में क्वाड्रेटिक हो, आप x में कोई भी क्वाड्रेटिक ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू ले लीजिए, आप कोई और फंक्शन ले लीजिए, x में क्वाड्रेटिक कोई भी ले लीजिए, आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ले लीजिए, x में जितनी भी क्वाड्रेटिक होती हैं उनके जो ग्राफ होते हैं, ध्यान से सुनना, x में जितनी भी क्वाड्रेटिक होती हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो सारे ग्राफ पैराबोला होते हैं। x में जितनी भी क्वाड्रेटिक होती हैं उनके ग्राफ क्या होते हैं? पैराबोला। ऑल ग्राफ्स आर पैराबोला, ग्राफ ऑफ ऑल दीज फंक्शंस आर पैराबोला, ठीक है ना, देयर ग्राफ आर पैराबोलिक। एक बात बस ध्यान रख लीजिए, बाकी पैराबोला को डिटेल में सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैराबोला चैप्टर में, ठीक है जी। क्या डिटेल में सीखेंगे? पैराबोला को सीखेंगे। यहां पे इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो मालूम है ना आप लोगों को? अरे मालूम है कि नहीं मालूम? भाई को बताओ मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला की शेप के होते हैं, ठीक है। और पैराबोला भी कई प्रकार के होते हैं, डिटेल में तो वहाँ समझाऊँगा, अभी कुछ बातें बस बता रहा हूँ आपको। पैराबोला भी कई प्रकार के होते हैं, पैराबोला इस प्रकार से भी हो सकते हैं, पैराबोला जो है हॉरिजॉन्टल पैराबोला भी हो सकते हैं यूं इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल पैराबोला भी हो सकते हैं। यहां पे हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये वर्टिकल पैराबोला, और देखिए इस प्रकार का पैराबोला भी संभव है, यूं करके यूं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैराबोला हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन अलग अलग है पैराबोला की, तो इस प्रकार का जो पैराबोला है जिसका यूं ऐसे हो या फिर यूं इस तरीके से नीचे की तरफ हो, ऐसे पैराबोला को बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला। ऐसी शेप के पैराबोला को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला।
और कुछ इस प्रकार का जो पैराबोला है इसको बोलते हैं ओब्लिक पैराबोला। क्या बोला? ओब्लिक पैराबोला। ठीक है जी, ये जो है ना ये वाला पार्ट पैराबोला का, इसको बोलते हैं माउथ ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? माउथ ऑफ पैराबोला, माउथ ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला का माउथ, अपना जैसे माउथ होता ना मामा मामा, ये जो है ये पैराबोला का माउथ है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला का ये माउथ है, वो ओब्लिक पैराबोला का ये माउथ है। ठीक है जी, पैराबोला की जो माया है, पैराबोला की बड़ी मस्त माया होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। जब पैराबोला अपन सीखेंगे बड़ी डिटेल में बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। पैराबोला एकदम फन्नाट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सो वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ओब्लिक पैराबोला, आई होप आपको क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो ग्राफ होते हैं पैराबोला बनते हैं, कैसे पैराबोला बनते हैं वो डिटेल में क्वाड्रेटिक जब पढ़ाई जाएगी, पैराबोला जब पढ़ाया जाएगा तब करेंगे डिस्कशन। यहाँ तो बस थोड़ा सा सिंपल पैराबोलिक फंक्शन की मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन सी देनी थी इसलिए बता दिया, ठीक है ना। फिजिक्स में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स चैप्टर में जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, तो ऐसा कुछ, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से आप बोलते हो कि एक पार्टिकल को फायर कर दें, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल से एक पार्टिकल को फायर कर दें विद इस डायरेक्शन में विद स्पीड सपोज यू या वी, तो वो कुछ इस प्रकार का ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। मैं आपको बताऊँ, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें इस प्रकार से, इस ट्रेजेक्ट्री को आप यूं करके एक्सटेंड कर दें, तो नज़र आएगा अरे ये तो पैराबोला है। इस वाले पैराबोला को पकड़ के नीचे की तरफ करके उल्टा कर दिया तो ये बन गया हमारा पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला है। इसका माउथ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रखा है। तो जब आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और ये जो पाथ बनता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काइनेमेटिक्स में आई होप आपने निकालनी सीखी होगी, ये जो पाथ बनता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देखिए आप पैराबोलिक पाथ बनता है। और इस पैराबोला की आप इक्वेशन देखना अपनी फिजिक्स की किताब में, ये जो पैराबोला बनता है ये एक्स में क्वाड्रेटिक होती है। एक्स में क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है, इसीलिए पैराबोला बनता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्स में क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, उसका ग्राफ बनाना हो तो पैराबोला बनता है। और पैराबोला के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफ़ी हैं। एक स्टोन को ऐसे करके मैं थ्रो कर दूं तो उसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, वो क्या बनेगा? पैराबोला ग्राफ बनेगा। डॉन ने इस प्रकार से बंदूक चला दी, बंदूक थोड़ी चलाओगे, डॉन तो गोली चलाता है, डॉन ने ऐसे गोली चला दी तो गोली जो पाथ ट्रेस करेगी वो भी क्या होगा? पैराबोला होगा। ग्रेविटी में कोई भी पार्टिकल जब अपना पाथ ट्रेस करता है तो पैराबोला होता है। खैर, अपन वापस आते हैं मैथ्स में। तो सिंपल पैराबोलिक फंक्शन एकदम क्लियर है। लास्ट फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी, लास्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो आखिर में अपने जो फंक्शंस हैं वो हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रकार के जितने ही फंक्शन हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखिए आप ये एफ वन एक्स है, ये एफ टू एक्स है मान लेते हैं, एफ थ्री एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, एफ फोर एक्स, फोर एक्स की पावर फोर माइनस नाइन एक्स क्यूब प्लस थर्टीन, इस प्रकार से ये सारे फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस है। इस सकल के जितने भी फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। This is
क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये हमारा है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक और नाम है, इसको क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं. इसको बोलते हैं क्वार्टिक पोलिनोमियल. ठीक है, इसके बाद जो पोलिनोमियल होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे इससे जो अगला पोलिनोमियल होगा, इससे बड़ी डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा, लिख लेता हूं, मान लो उसको भी एक और पोलिनोमियल लिख लेता हूं, x की पावर 5 माइनस 99x की पावर 4 माइनस 77x प्लस 7. यह पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इनके नाम हैं, इसको लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, इसको सिंपली बोल सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. ठीक है, ऐसे करके पोलिनोमियल डिग्री 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, यूँ आगे करते करते डिग्री 100, डिग्री 200, इनफैक्ट डिग्री एन, जनरल डिग्री की बात कर सकते हैं, डिग्री एन का पोलिनोमियल भी हो सकता है. ठीक है, इससे पहले एक फंक्शन लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 5, ये भी पोलिनोमियल की कैटेगरी में आता है. इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन तो है ही, इसको पोलिनोमियल में कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं. इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल. बात समझ में आ रही है? तो पोलिनोमियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें x की पावर, देखिए आप, x की पावर होल नंबर होती है, x की पावर होल नंबर हो, और जो x वाली टर्म्स है ना, इनके कोफिशियंट देखिए आप, ये रियल नंबर होने चाहिए. x की पावर में तो होल नंबर हो, और x की पावर वाली जो भी टर्म्स है ना, उनके जो कोफिशियंट्स हैं, उनके जो कोफिशियंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. तो एक पोलिनोमियल की जनरल शक्ल की बात करें, जनरल लुक की बात करें ना, जनरल लुक ऑफ द पोलिनोमियल, जनरल पोलिनोमियल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जनरल पोलिनोमियल की बात करें तो आप इसको ध्यान से देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन के बगल में कोफिशियंट है ए नॉट, एक्स की पावर एन माइनस वन के बगल में कोफिशियंट है ए वन, एक्स की पावर एन माइनस टू में कोफिशियंट है ए टू, ऐसे करते हुए आखिरी में आ गई कॉन्स्टेंट टर्म ए एन. बात समझ में आ रही है आपको? इस शक्ल का कोई भी फंक्शन हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन. क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन. एक्स की पावर एन फिर एक कम हो गई, एक्स की पावर एन माइनस वन फिर एक कम हो गई, एक्स की पावर एन माइनस टू कम होते 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 आखिरी में एक्स की पावर जीरो हो गई, कॉन्स्टेंट टर्म आ गई. तो आप देखिए, ये जो एन है ना, एन, ये एन होल नंबर होना चाहिए, एन जो है क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. बात समझ में आ रही आपको? और ये जो ए नोट ए वन ए टू, ये जो ए नोट ए वन ए टू है, ए नोट ए वन ए टू ये जो है इस तरीके से, ये जो ए एन है ए एन तक, ये सारे रियल नंबर होने चाहिए, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होने चाहिए. पोलिनोमियल अगर ये है तो ये रियल नंबर होने पड़ेंगे, और इनको बोलते हैं कोफिशियंट्स. क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोफिशियंट. बात समझ में आ रही आपको? और ये जो ए नोट है ना, ए नोट, ये एक्स की सबसे बड़ी पावर का कोफिशियंट है, ए नोट एक्स की सबसे बड़ी पावर का कोफिशियंट है, तो ए नोट को बोलते हैं लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट ऑफ द पोलिनोमियल, लीडिंग कोफिशियंट ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशियंट है ए नोट. बात समझ में आ रही आपको? एंड यहां पे जो एन है होल नंबर होना चाहिए, और सबसे बड़ी जो पावर है ना एक्स की, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर बतानी हो तो सबसे बड़ी पावर एक्स की बताइए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. इस केस में जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? एन है. क्यों है एन? क्योंकि एक्स की सबसे बड़ी पावर जो है वो एन है. और आपको बता दूं, जब एक्स की पावर एन जो है ये सबसे बड़ी पावर हो एक्स की, तो ए नोट जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? ए नोट जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, अगर ए नोट जीरो हो गया तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, उस केस में डिग्री एन माइनस वन हो जाएगी. तो एन डिग्री तभी होगी जब ए नोट हमारा जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल की शक्ल बता दी आपको मैंने, एन के बारे में बता दिया होल नंबर होना चाहिए, ए नोट ए वन ए टू ये इनको कोफिशियंट बोलते हैं, रियल नंबर होने चाहिए, ए नोट को लीडिंग कोफिशियंट बोलते हैं, डिग्री होती है एन. समझ में आ रही है? इसको देख के बताइए जरा, एक पोलिनोमियल ये लीजिए आप,
मुझे बताएं लीडिंग कोफिशियंट कितना है, लीडिंग कोफिशियंट पॉलिनोमियल का है 4, डिग्री कितनी है, डिग्री भी कितनी है 4, बाकी कोफिशियंट कितने हैं, एक 4 है, एक -9 है, एक 13 है, सारी बातें अपने को समझ में आ रही हैं। एक पॉलिनोमियल बड़ा स्पेशल पॉलिनोमियल होता है, एक पॉलिनोमियल बड़ा स्पेशल पॉलिनोमियल होता है जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इसका स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो पॉलिनोमियल। कोई बोले जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ तो आप बोल देना नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी डिग्री डिफाइन होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई कह रहा है नहीं होती डिफाइन। समझ में आ रही है आपको? अब देखिए जरा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है इसकी चर्चा करते हैं। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? मान लो एक पॉलिनोमियल लिख दूं यहां पे मैं जी एक्स इक्वल टू टू, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। आप मुझे बताएं कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। मैं आपको बताऊं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो इसलिए होती है क्योंकि आप ये जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल टू है ना, इसको 2 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो। x की पावर 0 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो। आप देखिए सबसे बड़ी पावर इस केस में x की 0 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो 0 के अलावा, एफ एक्स इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर यहाँ पे लिखा हो, उस कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0, ठीक है ना? ये बात अपने को समझनी है, ये बात मेंशन भी कर देता हूं यहां पे मैं, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एक्सेप्ट एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 पोलिनोमियल को छोड़ करके, एफ एक्स इक्वल टू 0 पोलिनोमियल को छोड़ करके कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो सबकी 0 होती है। क्लियर है? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0, यहां पे देखिए, यहां पे आते हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 0, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3, क्वार्टिक की डिग्री 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो डिग्री देखिए सारे पोलिनोमियल्स में आपको देखनी आ जानी चाहिए। आई होप आपको पोलिनोमियल का फंडा एकदम क्लियर होगा, ठीक है? पोलिनोमियल्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होती है। इसमें भी एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। पोलिनोमियल की जो डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट की जा सकती है, पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो डोमेन होती है पोलिनोमियल फंक्शंस की वो होती है ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है ना, रेंज पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल डिपेंड करती है, डिपेंड्स, रेंज डिपेंड करती है। पोलिनोमियल ये है तो अलग रेंज, ये है तो अलग रेंज, ये है तो अलग रेंज, ये है तो अलग रेंज। तो पोलिनोमियल की जो रेंज है वो डिपेंड करती है पोलिनोमियल क्या है। अलग अलग पोलिनोमियल की अलग अलग रेंज होती है, लेकिन डोमेन सबकी एक ही होती है। आप किसी भी पोलिनोमियल को देख लें, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब रेंज का ही नहीं मालूम अपने को जनरल पॉलिनोमियल की क्या होती है, तो ग्राफ भी नहीं बना सकते, ठीक है ना? पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो भी डिपेंड करता है पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का पैराबोलिक ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लीनियर के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्यूबिक का जो ग्राफ है वो अलग होता है, ठीक है? अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग ग्राफ होते हैं। कैलकुलस जब डिटेल में सीखेंगे तो डिटेल में ग्राफ आपको पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे सारे पॉलिनोमियल्स के ग्राफ का डिस्कशन मैं करूँगा, ठीक है? यहाँ पे तो आइडिया ले रहे हैं बेसिक पॉलिनोमियल का,
ठीक है, तो पोलिनोमियल का आइडिया लग चुका है, पोलिनोमियल का जनरल पोलिनोमियल का आइडिया लग चुका है, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, लीडिंग कोफिशियंट क्या है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, सारी बातें अपन ने सीख ली हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, हर प्रकार के फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं कि हर पर्टिकुलर टाइप का जो फंक्शन है उसका बिहेवियर कैसा होता है, डोमेन रेंज ग्राफ कैसा होता है, अपन ने वो सीख लिया है। बात समझ में आ रही है? तो आज के सेशन में अपन इतना ही सीखेंगे। अगले सेशन में अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सीखने वाले हैं, डोमेन रेंज अलग अलग फंक्शंस की किस प्रकार से निकाली जाती हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, और कई जेई के सवाल भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और कई जो है सवाल को शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से किया जाए वो सारी चीज़ें भी करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे होने वाले हैं उसमें अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हो गया हमारा, डोमेन रेंज के सवाल हो गए, और फंक्शंस के जितनी थ्योरी हमने सीखी है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग हम करेंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ जेई, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। और एक बात मैं मेंशन कर दूं, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ये फंक्शन वन है। क्या है? फंक्शन वन का मतलब है क्लास 11th का फंक्शन, 11th स्कूल प्लस 11th का जो जेई पार्ट है बस वही। फंक्शन टू जो है वो 12th का पोर्शन है, जो आपकी जो पेस लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसमें 11th क्लास की लेक्चर सीरीज है, सिर्फ 11th क्लास का फंक्शन ही कवर किया जाएगा, 11th क्लास का फंक्शन ही है, दैट इज फंक्शन वन। फंक्शन टू जो है वो 12th क्लास का पार्ट है, 12th एंड जेईई फंक्शन टू की लेक्चर सीरीज है, वो इस पेस सीरीज का हिस्सा नहीं है। पेस सीरीज में सिर्फ अपन फंक्शन वन कर रहे हैं, मतलब 11th क्लास का फंक्शन ही कर रहे हैं, 12th क्लास का फंक्शन करेंगे, 12th क्लास की कोई लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर जो होगा फंक्शन टू। क्लियर एकदम? कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन था, मैंने कुछ कमेंट वगैरह पढ़े तो मुझे मालूम चला कि कन्फ्यूजन है, लोग सोच रहे हैं कि 12th की चीज़ें क्यों नहीं करवाई जा रही, तो बेटा फंक्शन टू का पार्ट है, ठीक है ना। 12th की सीरीज होगी तो भाई वो भी करवाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। सो एक बात तो ये, दूसरी चीज़, लास्ट लेक्चर में मैंने दो प्रॉब्लम दिए थे, वो जो दो प्रॉब्लम हैं मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने सारे कमेंट पढ़े, दोनों के दोनों सवाल किसी के भी ठीक नहीं है, मैं एक भी सवाल ठीक नहीं है। ग्राफ का जो सवाल है ग्राफ ही बना के नहीं भेजा आप लोगों ने, ग्राफ बना के नहीं भेजा, और एक बच्चे ने ग्राफ बना के उसका लिंक भेजा था, मैंने वो देखा लिंक पे जाकर के, ग्राफ गलत बनाया हुआ था। तो जो लास्ट लेक्चर के जो दो सवाल है अच्छे से अटेम्प्ट आपने नहीं कर रखे, किसी ने ज़्यादा केस बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उटपटांग हरकतें की हैं, तो री अटेम्प्ट करें उनको, री अटेम्प्ट दी होमवर्क क्वेश्चंस। मज़ा नहीं आया मुझे उनका अटेम्प्ट देख करके, पिछला लेक्चर वापस से देखें, आई रिपीट, पिछले लेक्चर को वापस से देखिए, आप ध्यान से समझिए मॉडल्स की चीज़ों को, री अटेम्प्ट करें सवालों को, अच्छे सवाल जे लेवल के सवाल हैं, और आप जी ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक कमेंट में डाल सकते हो, मैं देख लूँगा आपका ओपन करके कि आपने ग्राफ सही बनाया है कि गलत बनाया है, और जो सही मुझे इनका उत्तर देगा उसको मैं रिप्लाई भी करूंगा कमेंट में। समझ में आ रही बात आपको? तो री अटेम्प्ट करें बेटा होमवर्क के सवालों को, मैं आपका देखने वाला हूं कि कौन सही आंसर निकालता है, और उनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, इनको री अटेम्प्ट करें, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क के सवाल, मैं दोनों के दोनों होमवर्क के सवाल जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक पॉलिनोमियल और एक मल्टीनोमियल। अक्सर देखा है मैंने कि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों टर्म्स में कि पॉलिनोमियल क्या होता है और मल्टीनोमियल क्या होता है। तो आप लोग अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं मुझको क्या डिफरेंस है, और अगर नहीं जानते हैं सर्च करें, आप इंटरनेट पे सर्च करें, बुक्स में सर्च करें, और लिखें कि मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आपने सर्च किया है तो ब्रैकेट में लिखें कि सर्च, और आपने खुद से लिखा तो ब्रैकेट में लिखें सेल्फ। सारे कमेंट मैं पढ़ने वाला हूं, बड़े सारे कमेंट आप लोग करते हैं, और इसका मतलब मालूम चलता है कि पूरा लेक्चर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ाई चालू नहीं करी है तो पढ़ाई को चालू करें, जोश के साथ पढ़ाई को चालू करें, कोई भी तूफान आपकी पढ़ाई को रोक नहीं सकता, पढ़ाई चालू रहनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, और आप घर बैठे बड़ी मस्ती के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स बकायदा हर लेक्चर के बनाएं, मेरा ये आपको
सलाह है और बड़े सारे लोग सलाह मान भी रहे हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, कई सारे लोग फोटो वोटो खींच के भेजते हैं, दैट्स ग्रेट। सो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। फिर से तबीयत खराब मेरी जरूर है, लेकिन जाने का मन फिर भी नहीं है। वक्त हो चला है, इस सफर को अलविदा कहना होगा और एक हंसी के साथ एक मुस्कान के साथ हमें इस लेक्चर को वाइंड अप करना होगा, और एक पॉलिनोमियल मुस्कान के साथ। पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ ऐसे होते हैं बेटा, कैलकुलस में सिखाऊंगा। पॉलिनोमियल के फंक्शन ग्राफ बड़े झूमते हुए ऐसे होते हैं ना, मस्ती में झूमते हुए ग्राफ होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के। और पॉलिनोमियल की हंसी के साथ, पॉलिनोमियल हंसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। बाय बाय, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।